मुबशिर, क्या कुछ देखने को मिल रहा है रामलीला मैदान में, क्या नज़ारा है, और किसानों की मंचा महापंचायत कितनी देर में? दिखा दूं, तकरीबन हजारों की संख्या में जो किसान है वो रामलीला किसान खेत मधु संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के सेक्रेटरी के सदस्य और दूसरी तरफ जो श्री सत्यवान जी से आग्रह करूंगा अपनी बात रखें। आप देखेंगे कि रामलीला मैदान तकरीबन भरा हुआ है। मैं उससे आप तमाम से अपील करता हूं कि एक महीने से इस देश का तनाजा अपनी मांगों के लिए सुनना बंद हो गया है। पुलिस के साथ जो गुंडा जो पैसे तो उसके बाद बैठा हुआ है, कई सारी चीजें जोरदार बताई गई, इनको कहा गया कि नारा लगाएंगे शर्तों के साथ में आप रामलीला मैदान में आपको इजाजत दी जाती है। तो ये साफ तौर पर है कि जिस तरीके से अभी किसान अपनी मांगों को लेकर आ रहे थे उस पर ये कहीं ना कहीं सरकार या पुलिस को थोड़ा सा एक कदम पीछे जरूर खींचना पड़ा है। सबसे पहले तो दिल्ली में एंट्री उनकी की गई है और रामलीला मैदान पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से एसकेएम के साथ मोदी सरकार के समझौता जो है वो लागू करने की बात है, दूसरी तरफ फसलों को लेकर जो गारंटी शुदा है एमएसपी है उसको लागू करने की बात है, कई सारे ऐसी चीजें हैं जिनको लागू करने की मांग को लेकर किसान लगातार पिछले काफी लंबे समय से इस चीज का विरोध प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं। फिलहाल बिल्कुल एहतजाज बड़े पैमाने पर देखने को मिला था, वहीं किसी तरह की कोई परेशानी तो आम आवाम को नहीं हुई, क्योंकि पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई और पुलिस की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं वहां पर इस वक्त मुबशिर? पहले मैं आपको अब बिल्कुल जवाब दूं कि पुलिस की तरफ से चौबंद इंतजाम इस चीज को लेकर किया गया है कि जो पूरा रामलीला ग्राउंड के पूरा आउटर एरिया है उसको पूरा कॉर्डन ऑफ किया गया है, किसी और गाड़ी या किसी वाहन की इजाजत नहीं दी गई, नॉर्मल ट्रैफिक जो है उसको रोका गया, डाइवर्ट किया गया, तुरंगान गेट की तरफ दिल्ली गेट की तरफ मोड़ा गया है। हालांकि जब हम सुबह से निकले तो हमको 1.5 से 2 घंटा लग गया यहाँ पहुंचे, चाहे वो डीएमडी हो चाहे वो रिंग रोड हो, पूरी तरीके से जान रूट काफी ज्यादा टाइम है। इस वक्त मंच पे आप देखेंगे, मैं अपने कैमरा पर्सन महबूब से कहूँ की मंच पर एक बार दिखाने की कोशिश करें, जितने भी किसान नेता है चाहे वो राकेश टिकैत हो चाहे वो चंदू हो चाहे वो ढिलन हो, ये सभी लोग जो है मंच पर मौजूद है और कहीं ना कहीं मोदी सरकार को लेकर जिस तरीके से एक बात की उसको अपनी बात सरकार के कानों तक पहुंचाने की जो बात थी वो करने के जो है जा रही थी। यहाँ से साफ तौर पर पुलिस ने चारों तरफ रामलीला मैदान को भी चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ किया है कि किसी तरह की कोई भी ऐसी, दूसरी तरफ कई अहम शर्तें हैं, यानी 3 से 4 बजे के बाद यहाँ पर रामलीला मैदान में नहीं रुकने दिया जाएगा, दूसरी बात रात में स्टे नहीं किया जा सकता, ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं लेके आ सकते, यानी बसों के जरिए आप जो है किसान जो है रामलीला मैदान फिलहाल पहुंचे। वही दूसरी तरफ पुलिस ने कई अहम चीजें उसमें किया है कि मॉनिटरिंग के लिए इस पूरे पंडाल को सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटर किया जा रहा है, बड़ी तादाद में किसान यहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से भी हिदायत दी गई थी कि 5,000 से ज्यादा किसान यहां पर ना पहुंचे, और दूसरी तरफ देखा जाए तो पुलिस फोर्स भी बड़े पैमाने पर तैनात है ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी देखने को ना मिले। तो किसानों की महापंचायत चल रही है, तमाम तरह किसान लीडर मंच पर मौजूद हैं और किसानों की जो मांगे हैं उनको आम करने की कोशिश की जा रही है।